मेरे पीछे कौन? मैं कौन? आप बाबा। अरे तेरी बदमाश की, सोया क्यों नहीं अभी तक? हैं, सोया क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई मेरे गुड्डे को? बाबा मैंने ख्वाब देखा। अच्छा, क्या देखा? मुझे तो दिख नहीं रहा है। कि मदरसे में पढ़ने लग गया हूँ। ये तो अच्छी बात है बे। और मैं इतने सारे बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। ये तो इतनी अच्छी बात है। सुनिए तो। सुनाइए तो। तो खेलते खेलते किसी ने मुझे गिरा दिया और मेरे माथे से खून निकलने लग गया। बाबा फिर आप आए, आपने मेरे माथे पे हाथ फेरा। ऐसे? हाँ, फिर सारी चोट गायब, पर आपके हाथ पे ढेर सारा खून लग गया। हाय आप, बदमाशी करता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मदरसे भी जाना है। आज हम नाश्ते में खाएंगे डंडा नहीं गिली गिली छू अंडा। हमें आज तो मौलवी साहब को दाखिला लेना पड़ेगा मदरसे में। अम्मी अब्बू दोनों आए बच्चे के। क्यों बेटा? जाओ मोहम्मद, सलाम करना मौलवी साहब को। हमें रुक का आएगा, चलो। नहीं तुम बात करके आओ, हम यहीं रुकते हैं। नहीं यार, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे आज बकरी ईद हो और पूरे शहर में तुम्हारे अलावा कोई बकरा ना हो। अरे तुम बात करके आओ ना, हम बैठे हैं यहीं। अरे बात क्या करनी है, मौलवी साहब हमको बहुत मानते हैं। हाँ, कई बार तो उनको फ्री में रिक्शा में सवारी कराई है। चलो ना, छोटी सी बात है इसके जैसी। कल से मदरसे आने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। हाँ। ठीक है, अब चलो चलो चलो। अच्छा चलो, आते हैं, पहुंचो। ठीक है, आ जाओ। साहब अम्मी है हम उसकी, पैदा होते ही माँ चल बसी थी, हमने भी उसे पाला पोसा है। अब जो गलती है उसकी अब्बा की, आप मासूम बच्चे को क्यों सजा दे रहे हैं? तुम हमें सिखाओगे कि शरीयत क्या है? हमारा बस चले तो हम इस इंसान को मोहल्ले में ना रहने दें। ये हमारा आखिरी फैसला है, हम किसी भी कीमत पर उसके बेटे को मदरसे में दाखिला नहीं देंगे। मौली साहब। नहीं तो नहीं, बस खत। मौली साहब मेरी बात तो सुनिए। मौली साहब, मौली साहब बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं इतना गुस्सा आया हुआ है, मन कर रहा है कि मौलवी की धड़ी नोचूं। इतना समझा रहे समझा रहे समझा रहे, पर समझ में ही नहीं आ रही बात। मत की इज्जत खराब करके रहे। कल निहारी लाएंगे बाजार से। और शाही टुकड़ा भी। सच में? हाँ, और फिर हम तुमको जौनपुर लेके जाएंगे, फूफी अम्मी के यहाँ। वहाँ भी तो मदरसा है और वहाँ तो शाकिर भी है, जमीला भी है। उनके साथ खेलना और वहीं पढ़ना। हम फूफी अम्मी के यहाँ जाएंगे? हाँ, बस में बैठकर। बाबा आज भी आप पूरी रात के बाद ही आओगे? आज हम पूरी रात के बाद नहीं, आधी रात के बाद आएंगे। सच में? हाँ। अरे तुम्हारी आंखों में तो ख्वाब है, जाओ जल्दी से बंद करके सो जाओ, नहीं तो भाग जाएंगे। हाँ। Thank you.
अल्लाह रखा सिद्दकी उर्फ अल्लाह मियां। अल्लाह मियां हो तो मस्जिद में रहो, मंदिर में क्या करने जाते हो बे? नौटंकी देखो साले की, और मारो और तब तक मारते रहो जब तक सच ना उगल दिया। सर क्या प्लान पुलिस को चकमा देता है, मुसलमान होके हिंदू बनता है साला, तोड़ देंगे रे बाप। बंद कर दो साले को। सच बता दे, अभी भी कायदे से पूछ रहे हैं, बाद में मार के फेंक देंगे ना तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। अल्लाह का सब मंदिर में नक्काशी का काम करते हैं साहब, मोहल्ले के लोगों को हमारे काम से एतराज है, सब हमसे नफरत करते हैं, सब हमें काफिर कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान होकर इन लोगों के मंदिर में काम करने जाते हैं। साहब हम क्या करें, हम यही काम होता है, हमारे बाप दादा ने बनारस के कई मंदिरों में नक्काशी का काम किया है। भगवान दास वेदांती जी हमें बहुत मानते हैं साहब, उनके कहने पर ही हम ये काम कर रहे हैं। वेदांती जी हम पे बहुत भरोसा करते हैं, मंदिर का सोना तक हमें दे देते हैं, वो सोना घर जाकर हम पिघलाते हैं और नक्काशी के काम में इस्तेमाल लाते हैं। साहब हमने अपने हाथों से भगवान की मूर्ति सजाई है साहब, अल्लाह कसम हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। पहले हम ऐसे ही चले जाते थे, लेकिन वेदांती जी ने कहा कि माहौल खराब है, इसलिए कपड़े बदल के जाते हैं ताकि हिंदुओं को ऐतराज ना हो। साहब यकीन नहीं है, वेदांती जी से पूछ लो। वेदांती जी से क्या पूछे बे? समझ रखा है, वेदांती जी जैसा धर्म करेंगे हाँ? मंदिर में नक्काशी का काम करते हैं। वेदांती जी को फोन लगाओ रे, आते हैं तो ठीक, नहीं तो इनकाउंटर करके फेंक दो साले को गंगा में। यस सर। बख्शा मुझे तूने जहां, मेरे खुदा हर दर्द की तू ही दवा, मेरे खुदा रहमत की बारिश भी तू, खुश
खुशियों का मरकज भी तू, रहमत की बारिश भी तू, खुशियों का मरकज भी तू, तू रोशनी तू जिंदगी दानिश कदा मेरे खुदा, रास्ता दिखा दे ओम भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मियां लोगों की नई कव्वाली है क्या बाबा? कव्वाली नहीं है, गायत्री मंत्र का उर्दू भावानुवाद है। दिल्ली से मित्र खुशी धनवर ने भेजा है। कितना सुंदर है। लगी बाबा, उसने बताने की कोशिश की थी, हमको यकीन नहीं हुआ। देखिए माहौल ठीक नहीं चल रहा है, हमको अलर्ट रहना पड़ता है। अभी संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हो चुका है। इसकी हरकत देखिए, कपड़ा वपड़ा बदल के इधर मंदिर में घुस जाना, बताइए लोग क्या कहेंगे, क्या जरूरत है? आवश्यकता है, आपसी सद्भाव समाप्त हो रहा है, मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठ रहा है। ऐसे में यदि रूप बदल के काम करना भी पड़े तो क्या हर्ज है? मनुष्यता की नियत यही है कि इसे बचाने के लिए जोखिम उठाने पड़ेंगे, आवश्यकता पड़ने पर जान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। बाबा बाबा एक मिनट, बस एक मिनट। मंदिर के गर्भगृह का काम मुसलमान से करवा रहे हैं, बताइए ये शास्त्र सम्मत है? आप अपनी थाली में आए अन्न को भी जांच कर खाते होंगे, किसे हिंदू ने उगाया है या मुसलमान ने? आप तो नाराज हो गए, हम तो इतना कह रहे हैं कि माहौल ठीक नहीं चल रहा है। काशी के अधिकतर मंदिरों में इसी के पुरखों ने काम किया है, इससे अच्छा कारीगर दुर्लभ है, यही नियति है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? विश्वनाथ की इच्छा। अपने कारीगर को कहिएगा जरा संभल के काम करे, देखिए कुछ हो वा गया तो सारा दोष हम पे आएगा। अरे चाय मंगवाओ रे। और साथियों, ये जो जिम्मेदारी मिली है इसे तन मन धन से निभाएंगे। ये फैमिली है, हम सब की फैमिली। यहां पे कोई बाहर से नहीं आ सकता। इस देश पे, यहां की मिट्टी पे, हवा पे, पानी पे सबसे पहला हक हमारा है। ये लड़ाई नहीं है, कर्म युद्ध है। लड़ेंगे की तरह लड़ेंगे भैया, जिंदाबाद। सब लोगों ने हम पे भरोसा किया, उसके लिए आभार, दिल से धन्यवाद।
विधायक की मिल जाएगी तब भी आपका मुन्ना नहीं बदलेगा। मुन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीते तो अपनों के लिए काम होगा, अपने लोगों के लिए काम होगा। नए मंदिर बनेंगे, हमें मिलकर अपनी फैमिली को मजबूत बनाना है, युवा एकता मंच को जिताना है। मुन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुन्ना भैया, आप सब मेरे साथ ऐसा नारा लगाइए कि आवाज वहां तक पहुंचे। युवा एकता मंच जिंदाबाद, युवा एकता मंच जिंदाबाद, युवा एकता मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये अच्छा इंसाफ है उनका, उनके लिए काम करो, उनके देवी देवता सजाओ बनाओ, फिर उन्हीं के जूते खाओ। कसम खाओ मेरी कि तुम अब मंदिर में नकाशी का काम नहीं करोगे। रोज मेरा दिल घबराता है, मैं किसी से कहती नहीं। अम्मा बाबा चले गए, भाभी मर गई, अब कौन है, किसके लिए करना है। तुम यही रहो मेरी आंखों के सामने, अल्लाह रखा तुम यही रहो। की बात दिल पे ले ली, नमाज की सब भी अलग कर ली है? अकेले की आदत डाल रहा हूं। रुको, काजी साहब कह रहे थे काम और मजहब के बीच इंसान को एक न एक दिन किसी एक को चुनना पड़ता है।
हमें सुनो तो मेरी बात। अल्लाह मियां, हमें खबरें देखो, खबरें आए दिन यही हो रहा है। यहाँ कौम के दो लोगों को मार दिया, वहां तीन लोगों को मार दिया, मोबाइल पर आ रहा है रोज, ये देखो। हमें देखो ना, सच से मुंह मोड़ने से सच बदल नहीं जाएगा। ये देखो, देख रहे हो, हालात बहुत खराब है। अब तो हिंदुओं के मोहल्ले में जाने से डर लगता है, क्या पता कब दंगा बवाल हो जाए। लेकिन तुम्हारा जिगरा बहुत बड़ा है, इंसान जैसी चाहेगा वैसी बनेगी ये दुनिया। अमें अमें छोड़ो यार, इंसान के चाहने से क्या होता है, सब अल्लाह के चाहने से होता है। ये जो इतनी नफरत फैल रही है, ये अल्लाह की मर्जी है? अल्लाह के चाहने से होता तो अल्लाह में इंसान ना बनाता, जानवर बना के छोड़ देता। हमें इंसान के चाहने से होता तो हमारा ना हो जाता। हम कब से चाहते हैं कि अब्बा का इस साल हज हो जाए, कुछ हुआ? अब्बा का एक पांव कब्र में, काजी साहब कहते हैं उनका हज हमारी जिम्मेदारी है, वरना जहन्नम की आग इंतजार करेगी हमारा। भरोसा नहीं है? किस पे? अल्लाह पे। अरे अगर वो मदद कर दे तो सारी मुसीबत आसान हो जाएगी भाई। अल्लाह सिर्फ उतनी मदद करता है जितनी जरूरत होती है। अल्लाह, मुझे तो ज्यादा की जरूरत है, तू तो सब जानता है परवरदिगार आलम, तुम ही बताओ ज्यादा मदद नहीं कर सकता अल्लाह? अल्लाह जाने, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी। चल सनद, रिक्शा चला। बाबा मैं अकेले नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अच्छा, मेरे साथ चलेंगे। अरे तो फिर तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक हैं? बाबा चल जल्दी से तैयार होके आ जा। बच्चे को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते, डर लगता है, आपको तो पता ही है आजकल। कैसे हो? इधर इधर आ जाओ, आ जाओ। कैसे हो बेटा? ये लो। अरे खा लो, खाओ खाओ, खा, ले लो ले लो। आजा।
यार। बाबा कितना अंधेरा है। हाँ लेकिन अभी रोशनी हो जाएगी, देखो मैं लाइट जला दूंगा ना, रोशनी हो जाएगी। हो गई रोशनी, देखो अभी तुम्हें दिखाता हूँ कुछ, दिखाओ। ये मेरे हाथों ने बनाया है, टक 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 ऐसे। बाबा ये किसका घर है? ये भगवान का। भगवान कौन है? अल्लाह मियां के भाई। भगवान यहाँ खुद रहेंगे? हाँ वो तो अभी भी रहते हैं, वो देखो। या अल्लाह कितने अच्छे भगवान है। अल्लाह और भगवान अच्छे ही होते हैं बेटा। अल्लाह तो दिखते नहीं पर ये तो दिखते हैं। अले मेले गुड्डे राजा, अल्लाह नहीं दिखते, भगवान दिखते हैं, लेकिन आंखें बंद करके तो दोनों ही दिखते हैं ना, हैं? जब हम दुआ मांगते हैं, हैं? इनके सामने दुआ मांगने से दुआ पूरी हो जाएगी? बेटा सच्चे दिल से किसी के आगे भी दुआ मांगने से दुआ पूरी हो जाती है, और अल्लाह और भगवान इंसानों में फर्क नहीं करते, इसीलिए तो बाबा को बुलाया भगवान ने यहाँ काम करने के लिए। इंसान और इंसान के बीच में फर्क करता है तो सिर्फ इंसान, तुम कभी मत करना, समझे? हाँ बाबा। क्या बाबा बाबा बाबा, कितने सवाल पूछोगे, जाओ जाके चुपचाप सो जाओ उधर, बाबा को काम करना है, हैं? बड़ी मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम चचा। सलाम कर लिया करो कभी, इतने रूमर हो गए, कमीज जरा भी नहीं आई। अरे अब्बा सलाम ही कर रहा है, जरा ऊंचा सुनने लगे ना, ये साफ सुनाई देता है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहु, खुश रहो। का बाबा आज का टिकट हो गया? अरे अब्बा अभी नहीं। कभी नहीं? अरे हमें मालूम है, जैकी ऐसी नालायक औलाद हो उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम है। अरे तू क्या हज वज कराएगा झूठे? चचा क्या बात, निकम्मे। अरे अल्लाह कैसी नालायक औलाद का जान दे दे। बना दिया हमें, चोरी करे डाका डाले, क्या करें हम, लाखों रुपए मजाक है क्या? अरे उम्र का तकाजा है, हो जाता है, चुप रहो तो बस, बस समझ। अरे कहाँ गवा, भाग रहा? अरे चचा हो जाइए हज, हो जाइए, अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? हो जाएगा हज, आ जाएगा टिकट, वाह हम देखते हैं। जैसा तू वैसा वो, दोनों लगे रहो। बस बस हो गया, हिलना मत, आंखों में मिर्चे लग जाएंगी। बस कौन? बाबा पापा। कौन है? बाबा मुसीबत है, रुक। बाबा आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बाबा कहिए जी, सुनिए। हट क्या यार, तुम क्या मजाक है? बाबा मिर्ची लगी है। हद होती है किसी बात की यार। हमें लड़की देखी नहीं कि दिल फुर फुर उड़ने लगा। मन खराब करके रख दिया, चल गए। लो अब तो इंतजाम भी हो गया। कैसा इंतजाम? बाजी का फोन आया था। क्या कह रही थी? बात करा दें। जरूरी बात है, खड़ा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, अब तो तुम इस पुरानी अम्मी को भूल जाओगे क्योंकि नई अम्मी का इंतजाम हो गया है। टुईं, टुईं, टुईं। नई अम्मी? जी हाँ, लखनऊ चलना है। लखनऊ? लखनऊ में क्या है? लखनऊ में, लखनऊ में भूल भुलैया है, टुंडे कबाब है, रूमी गेट है और ये है। ये कौन है? अरे इनकी नई अम्मी। और कौन? नई अम्मी देखिए। लो, बाजी ने कहा है ये शादी के लिए तैयार है और इन्हें तुम्हारे पेशे से भी कोई एतराज नहीं है। नई अम्मी को रिक्शा चलाना भी आता है? अरे इन्हें तो सब कुछ आता है। सच में? सब कुछ आता है। ठीक है, दोबारा फोन आए तो बोल देना, आ जाएंगे। हमें थोड़ी तो खुशी दिखा दो, इतने दिनों बाद तलाश पूरी हुई है। अपने लिए ना सही, मोहम्मद के लिए ही सही। देखो बेटा, सौतन आ रही है मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए। क्या कर रहे हो बच्चे के सामने ऐसी बातें? जाओ हुलिया बदल के आओ अपना। तुमने तो अभी से चलता करना शुरू कर दिया भाई। हैं? जब बेगम आ जाएंगी घर पे और कहेंगी, सुनिए जी निहारी तैयार है, जल्दी से आइए, तब तो घर में घुसने ना दोगे। ऐसा ना शुक्राना देखा हमने कहीं। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कोई मेरी चूड़ियां तोड़ दे, कोई मेरा सिंदूर मिटा दे, मैं बर्बाद हो गई। शोहर के होते मेरी बेवा हो गई मैं। नई अम्मी को निहारी भी बनानी आती है? तुम्हें निहारी की पड़ी है? निहारी कुलचा, कबाब पराठा, चिकन तंदूरी, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, दाल गोश्त की मकलेजी, भेजा फ्राई, शामी कबाब, मूंग का हलवा, सूजी का हलवा, शीर माल, बालू शाही, शीर खुरमा, मलाई बर्फी। खुश? भर गया पेट? चल निकल, निकल। अबे हमारे पेट की छोड़ो, तुम्हारे पेट में तो शादी के लड्डू फूट रहे हैं, पर जबान में से जहर निकल रहा है बस। अगर जमीला खाला का बुरका ना लौटाना होता ना तो। अरे दादा दादा दादा, हो जाना सर, ठीक मत जाना दोबारा। आमे अबे तू क्या आने? अरे खाला का बैग वापस। अरे वापस करना है, वापस सब ना खराब करके रख दिया। ये रख ले। नहीं नहीं, रख ले। अरे रख ले भाई, विवाह में काम आएगा। वधु को हमारी तरफ से आशीर्वाद। शुक्रिया महाराज जी। और काम की आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आते ही पूरा कर देंगे। और अब तो करना भी पड़ेगा क्योंकि नए बयाने भी मिल रहे हैं, एक मुगल सराय से मिला है, एक रामनगर से। अद्भुत, वहां भी मंदिर का ही काम है? और क्या, नक्काशी की कला तो अब सिर्फ मंदिरों में इस्तेमाल होती है, पहले जाते थे कुछ मस्जिद और दरगाहों में काम करने, लेकिन अब तो सिर्फ मंदिरों से ही रोजी रोटी चल रही है और चलती भी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। कला कलाकार की थोड़ी होती है, ईश्वर की होती है। भोले भला करेंगे। जी नमस्कार जी। आ गई समझ की सवारी बस अड्डे। शाबाश या। ले, हमें देख लो, छोड़ने हम आए, लेने भी हम ही आएंगे, समझे? फोन जरूर करना वरना रंजा रंजी हो जाएगी। ये कहने की बात है क्या? खुदा फेस। 5 मिनट है ना भैया? हमें यार तुम्हारी शादी में आने का बड़ा मन था, पर अब्बा की हालत तो तुम देख ही रहे हो। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये लो 10,000 हैं, थोड़ा थोड़ा करके जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा, रख लो। अरे ये हम नहीं ले सकते। नहीं नहीं, अरे तुम्हें थोड़ा ही दे रहे हैं, अब्बा को दे रहे हैं, अपने अब्बा को।
खाली तुम्हारे थोड़े अब्बा हैं। अरे तुम्हारी शादी में काम आएगा भाई। शादी हो रही है ना, हज भी जरूरी है। रखो रखो, अब रखो, बहस मत करो, रख लो रखो। अच्छा बाजी कब आ रही है? वो तो सीधा जौनपुर से पहुंचेंगे ना। और वापसी? वापसी अल्लाह जाने, बाजी जाने। लौटते हुए दो चार दिन जौनपुर में रुकना पड़ेगा, कुछ रस्में उसमें करनी है। अब यहाँ तो कोई है नहीं। अच्छा अबे समत, अबे क्या हुआ अचानक यूँ? अब यहाँ पे तो है ही नहीं, हम खड़े क्यों यहाँ पे? आप जाइए। अब नाटक मत कर, चल ठीक है। अरे मजाक कर रहा था यार, चल ठीक है। अरे चल चल ठीक है ठीक है, चल खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। बैठे हैं, तकल्लुफ की क्या बात है, अपना ही घर समझिए। सभी छत पे है। चांद भाई लीजिए, लीजिए ना, मिल लीजिए, आप ही का इंतजार कर रही है। चलो कर लो तसल्ली अपने दिल की, चलो ऐसे चल रहे हैं जैसे पैर में मेहंदी लगी हो। आओ आराम से बाजी, क्या कर रही हैं? दूसरे का घर है, मेहमान है हम यहाँ पर। मेहमान थे, तुम अब इस घर के दामाद हो। ये कब तय हुआ? तय नहीं है तो हो जाएगा, इतने लोग किस खातिर जुटे? तुम अगर लड़की से मिलने के रट ना लगाए होते ना, तो सीधे घूंघट उठाए के रस्म में देखते। आओ चलो। मोहम्मद की जिंदगी का सवाल है बाजी, उसकी होने वाली अम्मी कैसी हो तो देखना पड़ेगा ना। हाँ तो देख लो, पेट भर के ई शक्ल लेकर आए हैं लड़की देखने के लिए। जरा ढंग के नए कपड़े पहन कर आ जाते तो इज्जत घट जाती का तुम्हारी। जुल्फे जुल्फे कब कटवाओगे? कव्वाल बने घूमते रहते हो। लड़की अच्छी है, कायदे से मिलना, चलो कायदे से बात करना, तुम्हारी बात में पढ़ के सब। चलो जाओ। ज़्यादा मत सोचो, लखनवी बिरयानी है, खा लो। कोई बात है क्या? अल्लाह रखा परेशान नहीं, दिख नहीं। रहे हैं। का जवाब दें इनको? काश है माशाल्लाह, हाथों को हुनर बख्शाए खुदा ने, उसी के घर को सजाते संवारते हैं। आपकी शादी क्यों टूट गई?
अल्लाह मियाँ को सच सुनना पसंद है? मेरी शादी हुई ही नहीं। जवानी में मोहब्बत हुई, घर से भाग गई। उसने धोखा दिया तो लौट आई। घर वालों ने घर की इज्जत बचाने के लिए शादी टूट गई है ऐसी झूठी कहानी। सोचा कि मैं भी इस झूठ में शामिल हो जाऊंगी। कई आए, लौट गए। बेवा चलेगी, तलाकशुदा दो बच्चों की माँ भी चलेगी, लेकिन मोहब्बत में भागी हुई लड़की वो तो बच्चलन होती है ना, और बच्चलन लड़की से कौन शादी करेगा? कितना प्यारा लगता है, अल्लाह रखा तेरा चेहरा कितना प्यारा लगता है। अल्लाह रखा सिद्दकी वल मुबारक अली सिद्दकी, मैं आपका निकाह मैं 5,000 महर सबीहा बानो के साथ तय करता हूँ, आपको कबूल है? जोर से बोलिए। हाँ मुझे कबूल है। मुबारक। सबीहा बानो, मैं गवाहान की मौजूदगी में 5,001 रुपया मेहर के साथ अल्लाह रखा सिद्दकी से आपका निकाह करार पाता हूँ, क्या आप कबूल करती हैं? बोलिए। कबूल है। जोर से बोलिए। कबूल है। आप लोगों ने सुना, मुबारक। दुआ मांग लीजिए। चांद भाई वैसे ख्याल रखना दुल्हन का, एक भी शिकायत आई तो टांगे तोड़ देंगे। अल्लाह सलामत रखे। आओ ठीक, लाओ सामान हमें दो। हम चांद भाई क्या क्या कर रहे हैं? मैं उठा लूंगा ना। अरे तकल्लुफ थोड़ा ही है तो बच्चों का हक है, ख्याल रखना। अच्छे से जाना, चलो बैठो। समझ से कहना फोन करेगा, इंशाल्लाह इस साल उसकी भी शादी करा देंगे। हम पकड़ दुल्हन को, आराम से बैठा दो। अरे संभाल के बैठो, आ जाओ हमारी गोद में बैठो। दीजिए। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। जी अच्छा बाजी, ख्याल रखना। खुश रहो, आबाद रहो। आती रहना दुल्हन। हाँ हाँ, अरे भूल मत जाना अपनी बाजी को। दोबारा मिलाओ तो, कभी इस्तेमाल नहीं किया ना। समद के पास भी ऐसा ही है टच वाला, उल्टा पकड़े हैं। हाँ, हाँ। कब से बैठे हैं? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहती हैं उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। रिक्शा से चलते हैं फिर। चलो हाँ, रिक्शा कर लेंगे, रिक्शा कर लेंगे बेटा। हैं उठो चलो।
सील तोड़ेगा जेल जाएगा। जेल? पुलिस आई थी, समत को पकड़ कर ले गई। चाचा कब आई थी पुलिस? अरे भाई चल अपना काम कर, मेरे को क्या मतलब। मतलब कमाल है आप, जीनियस, मतलब सही मानना पड़ेगा। सुनो हमारी तारीफ करना बंद करो। हाँ सर। और जब कल सुबह जाके वो जीप वाले को उठा के लाओ, जीप समेत उठा के लाओ साले को। क्वेश्चन करवा लेंगे जीप का। हाँ एकदम कुछ भी हो जाए। हाँ सब लीजिए सर। नवाब साहिब आधा वर्ष है, बेगम साहिबा नजर नहीं आ रही। साहब हमारे घर पे ताला लग गया। चुप चोर साला, आरामपुर साला, मंदिर से सोना चुराता है। डालो इसको इसके दोस्त के साथ। चोर साले सर। साहब हमने क्या किया? डालो इसको। चलो ए साले को जौनपुर गए थे साहब। बच्चा रहना है। ए तो दोस्त गए थे साहब। अरे एक और बार आने आप। भाग तो जौनपुर गए थे साहब। साहब हम तो जौनपुर गए थे साहब। साहब हमने क्या किया साहब? हमारे समद, क्या हुआ समद? लमिया क्या हुआ? समद समद करो, समद रो मत, समद समद रो, करो 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 समद करो मत। अल्लाह अल्लाह आपका बचा लो, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई। अल्लाह आपका बचा लो, बचा लो अल्लाह। अब की हालत हमसे देखी देगी। मुझे बात नहीं करनी है तुझसे नालायक। अरे हम कराएंगे, तुझे मेरी नाक कटा दी। हमको कुछ भी करना पड़े हम कराएंगे। क्या है कराएगा, बदनाम कर दिया तूने। रिक्शा बेच दिए, घर गिरवी रख दिए, फिर भी पैसा कम पड़ रहा था। अब तुम्हारे सेवर गिरवी रखने गए थे अल्लाह, और पुलिस ने पकड़ लिया। अल्लाह उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये देखो आपको कितना मारा। अल्लाह अल्लाह अब्बा को आज पे जाना है, अब्बा को हज पे जाना है, अब्बा को हज पे जाना है। वीजा आ गया था, 3 दिन बाद टिकट था उनका। अब्बा को हज कराना है अल्लाह। अब्बा हज किए बिना मर गए तो अब जन्नत में जाएंगे। अल्लाह को बचा लो, अल्लाह को बचा लो, अल्लाह अब्बा को हज करा दो, अब्बा को हज करा दो, अल्लाह आपको जन्नत में जाए। बयान दिया इसने, समदुआ तो मोहरा है, सब किया धराया इसी का है। इसने कबूल किया है कि शादी के लिए इसको पैसों की जरूरत थी और इसके मन में लालच आ गया, सो जेवर जो है इसने बेचने के लिए दिए थे। समुद्र बेकसूर है, उसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए उसका कबूलनामा। जो भी कार्रवाई करनी है करिए रंजन जी। जी पर बात बाहर नहीं जानी चाहिए, मामला गंभीर है बाबूजी। ट्रस्टी है ये तो आप जानते हैं, इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है। आप परेशान मत होइए मुन्ना भैया, किसी को भनक नहीं लगेगी, एकदम सीक्रेट रहेगा। बस 2-4 पत्रकार लगे हैं, साले सब सुन लेते हैं। अब हमको भी तो केस दिखाना पड़ता है ना। हमने अभी तक आरोपी का नाम बताया नहीं है, बता देंगे तो हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा। और फिर ये भी तो बताना पड़ेगा कि इसके पास जेवर आए कहां से,
अब मंदिर से इनका का लेना देना है? मैनेज कीजिए। एक मिनट के लिए अल्लाह से मुलाकात हो सकती है। अब अपराधी से क्या मिलना है? ए, जाओ मिला दो। तुम्हारी पत्नी और बच्चा सकुशल है, चिंता मत करना। ये लीजिए चाचा, गफूर चाचा, ये आपका। आपने जन्नत खरीद ली? अरे ऐसे कैसे जन्नत खरीद ली? पहले समट की शादी करेंगे, बहू लाएंगे, पोता पोती खिलाएंगे, फिर जन्नत में जाएंगे। आप बोटी पे हाथ साफ कीजिए। क्या बात है, बेटा हो तो समझ के जैसा। अरे खुर्शीद भाई, सूखी सूखी बिरयानी खा रहे हैं आप, ये लीजिए बोटी तो लीजिए, थोड़ी सी बोटी, थोड़ी और लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप ना होते तो ये देगे कहाँ उतरती? खाली बोटी से कर्जा नहीं उतरता समाज, टाइम से पैसा मिल जाना चाहिए, वो भी सूद समेत। के लिए डटकर खड़े रहना, अपना मस्तक तक कटा देना वीरता है। और पाखंड के लिए झूठ का साथ देना कायरता। सैकड़ों टन स्वर्ण का मूल्य भी सत्य से बढ़कर नहीं है। तुम्हारे पुरखों ने इस मंदिर और न जाने कितने और मंदिरों के आभूषणों को बिना विचलित हुए प्रभु के चरणों में लगा दिया। वो आज किलो दो किलो स्वर्ण की चोरी का आरोप अपने सर पर ले रहा है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, उनके पिता, न जाने कितने और लोग जिन्होंने अपनी कला से हमारे मंदिरों की सेवा की, हमारे मंदिरों को सजाया संवारा है, और जिनके ईमान को प्रभु ने कभी टिकने नहीं दिया, वो आज शपथ लो अपनी कला की, शपथ लो अपने पुत्र की, कि तुमने इस पवित्र मंदिर की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया है। अगर ऐसा है तो आज के बाद कोई भी धर्मी इस मंदिर में पांव नहीं रखेगा, यह मेरी शपथ है।
यही है सर। पकड़ और चुराएगा मंदिर का सोना। अब्बा अब्बा वाह अद्भुत, एकदम से हृदय निकाल कर रख दिया है। कितना सुंदर है ये। शुक्रिया। कृपा होगी। प्राण प्रतिष्ठा कब है? प्राण प्रतिष्ठा? जी वही। शीघ्र ही रामनवमी के दिन सबके लिए कपाट खुल जाएंगे, आना अवश्य। संसार के लिए प्रभु की इस लीला को जानना भी आवश्यक है। कोशिश करेंगे। एक दो मंदिरों के बयाने और लिए हैं, काम काफी है और पूरा करना है, फिर भी वक्त मिला तो जरूर आएंगे। नमस्ते। चमक भीगी पड़ने लगेगी तो पॉलिश करने तो आओगे? नहीं, मेरी जरूरत अब नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। प्रभु की चमक अब टस्सेमस नहीं होगी। नमस्ते। प्रसन्न है प्रभु? أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اے میرے مومن بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، اللہ کا خوف دل میں بنائے رکھو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ سے آپ ڈرو گے، اللہ کے ڈر میں آپ نے ایک قطرہ آنسو بہایا، بھلے وہ قطرہ مکھی کے منہ کے برابر ہو، वो आपको दोजख की आग से दूर रखेगा। नमाज पढ़ो, नमाज के पाबंद हो जाओ, और मेरे मोमिन भाइयों जन्नत की किताब खरीदो। इसलिए मोमिन भाइयों नमाज की पाबंदी रखिए, कब्र के अंधेरे से डरिए, जन्नत की किताब खरीदिए। 100 रुपया जन्नत की किताब खरीदो। उठो 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 उठो, बेदार हो जाओ। दुनिया की नहीं, आखिरत की परवाह करो। अल्लाह फरमाते हैं कि एक रकत नमाज के बदले ₹100 जन्नत की किताब, जन्नत की किताब, जन्नत की किताब। ₹100 अम्मी अम्मी। अरे कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा हूँ। निहारी खा रहा है ना अम्मी के हाथ की खूब? हाँ। हाँ।
ये लो जन्नत की किताब। सलाम अलैकुम। तक नजरें छुपाते रहेंगे, घुट घुट कर जीते रहेंगे। इतनी तकलीफ हो रही है तो बात क्यों नहीं कर लेते? पता नहीं समद मुझे माफ करेगा या नहीं। हो सकता है वो भी यही सोच रहे हो। समद भाई का दिल इतना भी छोटा नहीं है। पहुंच गए भाई। समद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। समद भाई सलाम वालेकुम। अरे खुर्शीद भाई वालेकुम अस्सलाम। आपने तो कमाल कर दिया समद भाई। बस अल्लाह का करम है, पूरे मोहल्ले को हक की राह दिखा दी आपने। माशाल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज़। शाम को मस्जिद में मिलता हूँ। काफी इज्जत कमा ली है तुमने। इज्जतो मन तो शाओ, जिल्लतो मन तो शाओ। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, हमने तो सिर्फ राह चुनी है। अब कौम की हालत तो तुम देख रहे हो, कोई रहनुमा नहीं है, इसीलिए तो भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमने तो सोच लिया है कि इंशाअल्लाह अब बस कौम की और मजहब की दोनों की खिदमत करनी है। आओ। सही बात है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इसे दाखिल कर रहे हैं मदरसे में। बेटे तुम भी समद की तरह बनना, खूब पढ़ना, मदरसे और मोहल्ले का नाम रोशन करना। इनायत मौली साहब। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ। फी अमान। फी अमान अल्लाह। फी अमान। सलाम वालेकुम। खुश रहो बेटे। हो गया ना। चल बाबा। मेरा गुड्डा खुश। हाँ। हो गया दाखला। बेटे देखो हमने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब पढ़ो हाफिज बनो, अब्बा और कौम का नाम रोशन करो। ठीक है जाओ खेलो। भाई बहुत बड़ा एहसान है। एहसान का है, घर की तो बात है। तुम्हारे बेटे को नहीं अपने बेटे को दाखिला कराया है। मस्जिद आओ कभी। पूरी बन गई माशाल्लाह, शानदार बनी है, लोगों ने दिल खोल के इमदाद की है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से राह राज पर चले हैं बड़े बड़े लोग इज्जत से बुलाते हैं। वो तो है। अच्छा चलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए मैडम आइए, यहीं पर काम कर रहे हैं अल्लाह भाई। मंदिर तो बहुत पुराना है। अरे अल्लाह भाई, ए अल्लाह भाई, अरे अखबार से आपसे पत्रकार मिलने के लिए आई है भैया, आपके बारे में खबर छापनी है। कितना सुंदर बना है, पता नहीं देखते हैं। बाहर आइए अल्लाह भाई। अरे बाहर आइए भैया। अरे अल्लाह भाई, ए अल्लाह भाई, बाहर आइए अल्लाह भाई। सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, तो शुरू करें। एक सेकंड। जी। तो सिद्दीकी साहब कब से हैं आप इस प्रोफेशन में? जी प्रोफेशन में मेरा मतलब कब से इस पेशे में हैं आप? अच्छा ये तो पुश्तैनी काम है जी, हमारे बाबा यही करते थे, उनके बाबा यही करते थे, उनके बाबा के बाबा, मतलब पीढ़ियों से यही काम है। मंदिर में कारीगरी करना बड़ा काम है, लेकिन आपको कभी अजीब नहीं लगा? अजीब क्यों लगेगा? अजीब मेरा मतलब आप मुसलमान हैं,
आपका मजहब अलाउ करता है इस बात को? अलाउ? अलाउ मेरा मतलब इजाजत देता है। कुरान शरीफ में तो कहीं नहीं लिखा कि दूसरे के मजहब का काम नहीं करना चाहिए। उल्टे हमारे बाबा तो कहते थे कि दूसरे के मजहब का काम करना और भी ज्यादा सवाब का काम है। अल्लाह खुश होता है क्योंकि इससे भाईचारा बढ़ता है। आपके लोग कभी इस बात को लेके आपका विरोध करते हैं? विरोध? विरोध से मेरा मतलब परेशान करना, फतवा देना कि ये काम गलत है, वो क्या कहते हैं ना, हाँ हराम है। नहीं मतलब ऐसा कभी, मतलब ऐसी नहीं, सब ठीक है। अच्छा, सोना चोरी की एक घटना हुई थी कुछ महीने पहले मंदिर में, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वेदांती जी ने तो कुछ भी कहने से मना कर दिया। उड़ती उड़ती खबर जरूर आई थी कि मंदिर का सोना जो कारीगरों को काम के लिए दिया जाता है, शायद वहीं से कुछ गड़बड़ हुई थी। हम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं था कि आप लोग मंदिर के लिए इतना काम करते हैं। अरे घबराइए नहीं सिद्दीकी साहब, आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। आपके बारे में मैं सब अच्छा ही लिखूंगी, लोग भी जानेंगे। जिनके लिए उनके दिलों में इतनी नफरत फैलाई जाती है, वो लोग उनके लिए क्या कुछ नहीं करते। हमारा तो छोटा सा अखबार है, पर एक बार आपका इंटरव्यू छपेगा तो बड़े बड़े अखबार और चैनल्स पे आपके चर्चे रहेंगे। हमारे अखबार में आपका इंटरव्यू छपेगा तो एक कॉपी मैं आपको जरूर दूंगी। जी नमस्ते। अरे अरे कहाँ चल रही है सिद्दीकी साहब, अभी असली काम तो बाकी है। अरे गुरुजी कैमरे ही देखते रहेंगे या इनका फोटो भी लेंगे? आपके आशीर्वाद से टिकट कंफर्म हो गया बाबू जी। विजयी भाव, माँ गंगा की कृपा हुई है, सूची लेकर पार्टी प्रमुख स्वयं आने वाले हैं। एक बार उनका आशीर्वाद मिल जाए फिर अपने लोगों की सेवा करेंगे। सौहार्द सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति आवश्यक है लेकिन धर्म की नहीं, कर्म की। सबको अपना समझो। प्रत्येक मानव को ईश्वर ने बनाया है, जब वो भेदभाव नहीं करता तो हमें अधिकार क्या है? मुन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुन्ना भैया जिंदाबाद। भाई साहब प्रणाम। आराम से बैठ जाइए। बहुत बहुत आभार भाई साहब मौका देने के लिए। सारा युवा है हमारे साथ, जैसा चाहेंगे वैसा ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। लीजिए, आपका नाम संकट में है, पार्टी को आपके नाम पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। हमने क्या किया है? हम तो पूरी लगन से संगठन के लिए और आपके लिए काम करते रहे। काम का ही तो इनाम दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे चक्कर में पार्टी का सत्यानाश तो नहीं कर सकते। देखो क्या हो रहा है सब, पार्टी नाराज है। क्या हो रहा है सब तुम्हारी नाक के नीचे, क्या छप रहा है ये? ये तो एक मामूली सा कार्यकर है। बेवकूफ हैं आप, सोशल मीडिया समझते हैं ना, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप, हंगामा मच जाता है जरा जरा सी बात। ये मामूली सी बात है, कल हमारे लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तुम्हारे पिताजी मंदिरों में विधर्मियों से काम करवाते हैं और हम वहां जाके सिर टेकते हैं। राजनीति कर्म से नहीं धर्म से की जाती है, इसलिए क्योंकि राजनीति हमारा धर्म है,
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो सकता है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो खबर छोटे अखबार में छपी, मैंने जोगे। वो तो संपादक जी पार्टी के पुराने शुभचिंतक हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल कोई बड़ा अखबार यह खबर नहीं छापेगा, सब यही लिखेंगे। देखिए एकता की मिसाल, ये है हमारा देश, ऐसे मिलजुल करके रहना चाहिए। फिर क्या होगा पार्टी का, क्या होगा अपनी विचारधारा का? तुमसे बहुत आशा है मयंक। भाई साहब मैनेज हो जाएगा। मैनेज कीजिए, क्योंकि मैनेज करना ही पॉलिटिक्स है। जाइए विजयी भाव। आज बन ठन के कहाँ चल दिए? भूल गई, आज रामनवमी है। हाँ आज तो मूर्ति बिठाई जाएगी ना, प्राण प्रतिष्ठा, तो थोड़ी देर के लिए मंदिर जाएंगे, वेदांती जी को अच्छा लगेगा। तभी आज पैंट ब्लू शर्ट में है, वरना तो कुर्ता ही। कपड़ों में क्या रखा है, और माहौल तो तुम देख ही रही हो। वैसे भी अल्लाह किसी के कुर्ते की जेब में नहीं, दिल में होते हैं। ईमान दुरुस्त रहे, और क्या चाहिए। सच बात है बाबा। बाबा अम्मी की घर दावत है। कैसी दावत? अम्मी हज करने जा रही है ना, तो खूब सारे लोग आए हैं, आपको ही बुलाया है। हज करने जा रहा है समद भाई? हज करने जा रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ लेकिन मिला था तो बताया नहीं। दीन के रास्ते पे जब से चलना शुरू किया है ना, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो गया उनका। हाँ। हो सकता है अल्लाह के किसी बंदे ने पैसे लगा दियो। आप ना जाकर मुबारकबाद जरूर देकर आना, और उनसे कहना कि हमारे लिए भी दुआ मांगे। सवाब का काम है। तो उधर से ही होते हुए चले जाएंगे मंदिर। ठीक है, तू भी तैयार होके आ जा। ठीक है। जल्दियों की अजब फजा है मदीने में, निगाहें शौक की इंतहा है मदीने में, शुक्रिया तुम्हारे, दिल खुश हो गया। मुबारक हो। अरे ये क्या बात हुई, मुबारक मौके पर तो टोपी पहन ले।
चलो, तुम्हारे जरिए अल्लाह हमारी भी सुन लेगा। सबिया ने खास तौर से कहा है, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह जरूर। ये भी कोई कहने की बात है, तुम्हारी ही दुआ से तो हज करने जा रहे हैं माशाल्लाह। और ये क्या किया तुमने, सब फूल तोड़ दिए हैं बदमाश। वैसे अचानक हज का प्रोग्राम बताया भी नहीं। अरे हम गरीब अल्लाह के रहम करम से कब तक महरूम रहेंगे, अचानक प्रोग्राम बना, सब अल्लाह ही की तो मेहरबानी है। अल्लाह कबूल करे। रवानगी कब है? आज रात लखनऊ जा रहे हैं, फिर वहाँ हज हाउस में ट्रेनिंग होगी कि कैसे हज किया जाता है, फिर वहीं से जहाज़ में निकल लेंगे। हज की भी ट्रेनिंग होती है? हाँ हाँ, हज के अरकान बहुत मुश्किल होते हैं, बड़े बड़े मौली साहब यही तो बताते हैं। अच्छा तुम खाना तो खा लो, आज खुशी का मौका है। नहीं नहीं, हमें ज़रा मंदिर, हमें ज़रा मंदिर जाना है, वो प्राण प्रतिष्ठा है ना आज, तो महाराज जी इंतज़ार कर रहे होंगे। वेदांती जी चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि हमने बनाया है मंदिर। तो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, आओ तुम्हें छोड़ दें। मोहम्मद तुम बेटा घर जाओ, अम्मी से कहना हम आते हैं अभी, ठीक है? ठीक है बाबा। हाँ जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी आइए बाबा। हाँ। आ जाओ बैठो। तरफ जश्न है माशाल्लाह, पता है क्यों? आज रामनवमी है, बनारस में कितनी रौनक है, और तुम हज को भी जा रहे हो। क्या इत्तेफाक है, सारे अच्छे काम एक ही दिन हो रहे हैं। आज तुम्हारे अब्बा की रूह को कितना सुकून मिलेगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, वो हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। ठीक कह रहे हो, वरना कहां रिक्शा कहां हज। और फिर तुमने भी तो अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में लगा ही दिया, इसका सिला भी तो मिलेगा इंशाअल्लाह। जेल में हमेशा यही सोचता था कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, फिर एहसास हुआ कि ये सिर्फ छोटी सी सजा थी राहे राज पर लाने के लिए, अब सामने सिर्फ मदीना है। क्या हुआ? हमें इस्तिंजा कर लें जरा। सोच से आ गई है। सही कहते थे, बनारस में पैदा होना खुशकिस्मती की बात है। हाँ बुतपरस्त और इस्लाम में पैदा होना। मतलब हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं बे। जिंदगी हराम कर रखी है हमारी। सोचते हैं आज गंगा मैया को तुम्हें समर्पित कर ही देते हैं। बहुत पुण्य किए हैं ना, स्वर्ग तो जाना पड़ेगा। तो हज के लिए पैसा यहां से आया,
जन्नत की किताब बेचता है, ईमान बेच के हज करेगा। समीर तो तेरा उसी दिन मर गया था जिस दिन चोरी की थी, आज रूह भी मर गई। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। इस्लाम? अब इस्लाम का मतलब हमें ये काफिर सिखाएगा? काफिर? दूसरे मजहब के लोगों की इज्जत करता हूँ इसलिए काफिर हूँ। अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ कुर्ते दाढ़ी और टोपी से नहीं करता इसलिए काफिर हूँ। लेकिन तू तो असली काफिर है। चलिए मौलवी साहब, निकलिए, आज मुबारक। इसके बाद और भी काम निपटाने हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मियां, अल्लाह के दरबार में मिलेगा, सब पूछूंगा तुझसे कि कौन काफिर है और कौन सच्चा मुसलमान। आज मैं मरूंगा समाज, लेकिन याद रखना तुझे हज के लिए पैसा देने वाले यही लोग कत्ल करेंगे। मोहम्मद तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह तेरा हज कबूल नहीं करेगा। बाबा, ये किसका घर है? भगवान का। भगवान कौन है? अल्लाह मियां के भाई। इनके सामने दुआ मांगने से दुआ पूरी हो जाएगी? हाँ।
सच्चे दिल से किसी के भी सामने दुआ मांगो, दुआ पूरी हो जाती है। अल्लाह और भगवान इंसान इंसान के बीच फर्क नहीं करते, इंसान के बीच फर्क करता है इंसान। तुम ये कभी मत करना, समझे? बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना, मैं भी आपके साथ काम पे चलूंगा। अभी तक तैयार नहीं हुए, काम पर नहीं चलना है? हम लोग
जी जान सी प्यारी है हमें।